ओम शांति। आज की तारीख है 25/2/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव पिता परमात्मा जिनके माध्यम से कार्य करने आए हैं, तो मीठे मीठे रचयिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण बनेंगे और निश्चय में ही विजय है। प्रश्न है, ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? उत्तर है, सदा हर्षित रहने की। ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए और निकलते रहे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बाप का नाम बदनाम करने वाली चलन ना हो। रोना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, ये ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं। ईश्वर की संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं, कोई अकर्तव्य करते हैं, तो बाप की इज्जत गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। सदा ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु, नंबर एक मीठे बाबा और मीठे सुख धाम को यानी सतयुगी सृष्टि को याद करना है। इस मायापुरी को अर्थात पुरानी कलयुगी सृष्टि को भूल जाना है। नंबर दो, सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। विजय माला में आने के लिए अथक होकर सर्विस करनी है। शिव बाबा से सच्चा रहना है। कोई भूल चुक नहीं करनी है। किसी को दुख नहीं देना है। वरदान सतगुरु शिव पिता का एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूरत भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो तो अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते चलते और उड़ते रहेंगे। वह एक का पाठ क्या है, ध्यान दें सभी और दिल पर छाप दें, बुद्धि में भी छाप दें और दिल ही दिल में पक्का भी कर लें कि एक बल एक भरोसा। एक शब्द को लेकर के देखो बाबा कितनी बातें बता रहे हैं। एक बल एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता और एकांत प्रिय। तो ये एक शब्द ही बाप को प्रिय है। जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते हैं, उन्हें कभी भी मुश्किल का अनुभव नहीं होता। ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है। तो सभी चाहोगे ना विशेष वरदान को प्राप्त करना। इसलिए वे निराकार आकार को
जैसे साकार अनुभव करते हैं। स्लोगन है, किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। हम अक्सर क्या करते हैं, किसी से थोड़ी भी अनबन हुई, मतभेद हुआ तो हम उनसे किनारा कर लेते हैं। बाबा कहते किनारा नहीं करो, परंतु आप उनके साथी, सहयोगी, सहारे बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।